हम कितने नादान हैं ना। प्यार के नाम पर हम क्या कुछ नहीं करते। आज जिसको देखो हर कोई प्यार की डेफिनेशन बॉलीवुड से सीख रहा है। वो प्यार जो जिस्म से शुरू होकर बिस्तर पर खत्म हो जाता है, जहां प्यार तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ झूठ पेश किया जाता है। हरम बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हमारे लिए वो बस एक मूवी होती है, लेकिन उससे हुआ असर जो हमारे दिल और दिमाग पर पड़ता है, उसका एहसास हमें होता भी नहीं, क्योंकि हम हमेशा उन्हीं चीजों को मानते आए हैं जो सामने दिख रही होती है। पर सच्चाई कुछ और होती है, जो ये आंखें नहीं देख पाती। तभी तो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हाँ, जिंदगी की हकीकत और फिल्मों का प्यार दोनों एकदम अलग होते हैं। मैं कुछ देखने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हम इतने होशमंद जरूर हों कि क्या सच है और क्या झूठ, इसे बखूबी समझते हों। इस सबको कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पर्दे के सामने सिर्फ दिखावा चलता है, असल जिंदगी तो पर्दे के पीछे है। क्योंकि अक्सर हम फिल्मों का झूठ अपनी जिंदगी के सच से जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए दुनिया के 90% रिलेशनशिप्स फेल हो जाते हैं। फिर हमें सिर्फ ब्रेकअप दिखाई देता है, उसके पीछे की गहरी वजह नहीं। क्योंकि प्यार के नाम पर हमारे मन में इतना कुछ गलत भर दिया है कि हमने शुरू से अटैचमेंट ही जाना है, प्यार नहीं। और हैरानी वाली बात है कि हम अटैचमेंट को ही प्यार कहते हैं। प्यार और अटैचमेंट कभी भी साथ साथ नहीं चल सकते, ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं। प्यार सेल्फलेस होता है और अटैचमेंट सेल्फिशनेस से भरा। अगर कोई किसी से पैसों के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए, बॉडी प्लेजर्स के लिए या सोशल स्टेटस के लिए डिपेंडेंट है, इन शॉर्ट किसी से मेंटल, फिजिकल, इमोशनल या फाइनेंशियल कंफर्ट मिल रहा हो, वो प्यार बहुत ही सरफेस लेवल का होता है। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि प्यार है, पर जब ब्रेकअप होता है या किसी अपने से धोखा मिलता है, तब पता चलता है कि वहां प्यार तो था ही नहीं, सिर्फ अटैचमेंट्स हैं। और जिसे इन सब चीजों की मांग है, उसके लिए दूसरा इंसान एक ऑब्जेक्ट की तरह है। कल को अगर उसे कोई बेहतर ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वो वहां चला जाएगा अपनी नीड्स पूरी करने के लिए। और इन्हीं चीज की डिपेंडेंसी उसे हमेशा गुलाम बना के रखेगी दूसरों का। लेकिन जब कोई इन सब चीजों के लिए नहीं जुड़ता किसी से, बस अपनी खुशियां, अपना प्यार बांटता है उनके साथ, या यूं कहूं कि जहां दो लोग खुद में पूरे हैं, हर चीज के लिए इंडिपेंडेंट हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, वहीं सच्चा प्यार पनपता है। क्योंकि वहां ना एक दूसरे से कुछ लेना होता है और ना कुछ देना होता है। वो जो करते हैं अपनी खुशी से प्यार में करते हैं। पर हम बड़े ही अजीब लोग हैं। कहते तो हैं प्यार दिल से करना चाहिए, पर उसमें लगाते अपना दिमाग ही है। जहां तुमने दिमाग लगाया, वहां तुम प्यार को तोलना शुरू कर देते हो कि मैंने उसके लिए इतना किया, बदले में उसे भी मेरे लिए करना चाहिए। और यहीं से शुरू होती है सारी गड़बड़। इग्नोरेंस, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, दूसरों का इंटरफेरेंस, किसी तीसरे का बीच में आ जाना, हेल लिस्ट गोज ऑन। फिर वहां प्यार नहीं रह जाता, क्योंकि प्यार को कभी मापा नहीं जा सकता। प्यार कोई व्यापार नहीं जहां तुम प्रॉफिट और लॉस गिनने बैठो। बाजार में चीजों का लेन देन होता है, प्यार में नहीं। प्यार कभी मांगा नहीं जाता, इसीलिए प्यार ना भीख है ना दया। तो जहां कहीं तुम देखो कि डिपेंडेंसी है, उम्मीदें हैं, शर्तें हैं, वहां वो प्यार नहीं, सौदा कहलाता है। ठीक वैसे ही जिस किसी में डर है, लोनलीनेस है, लालच है, जेलसी है, कंपैरिजन है, वहां भी प्यार नहीं हो सकता। ये सब उनमें दिखता है जो खुद से प्यार नहीं करते। कभी भी किसी का प्यार जानना हो ना, तो बस इतना देखना कि उनके साथ होने भर से तुम होते हो या कुछ और होते हो। नो मैटर वो पेरेंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एक्स वाई जी, कोई भी, जिसके सामने तुम एक खुली किताब की तरह होते हो, जहां कुछ भी छुपा नहीं होता, सब ट्रांसपेरेंट होता है,
जिसे तुम्हारी डार्क साइड भी पता हो। मतलब उनके सामने तुम्हारे 10 चेहरे नहीं होते, एक ही चेहरा होता है जो असल में तुम हो, जहां तुम्हें दो बार सोचना नहीं पड़ता कि बताऊं या नहीं। तुम अंदर से क्या हो, कैसे हो, उसे खोल कर रख देते हो उसके सामने, क्योंकि वहां तुम अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां, अपनी कमियों को खुलकर बता सकते हो, क्योंकि वहां किसी भी तरह का डर नहीं है। और यही आजादी है। इधर हर इंसान दूसरे इंसान में अपनी आजादी तलाश रहा है, और ऐसे लोग बहुत रेयर मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम खुद वैसे नहीं होते जैसा हम दूसरों में देखना चाहते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला तो तुम वो आजादी बन जाओ, कि फिर जो भी तुम्हारे साथ हो, यू आर लाइक होम फॉर देम। पर जहां तुम खुलकर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वहां प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार तो खुद तुम्हारी कमजोरियां दिखाकर उनसे लड़ना सिखाता है, तुम्हें और बेहतर बनने पे मजबूर करता है। और तुम्हें वही इंसान सबसे बुरा लगेगा जो तुम्हारे सामने तुम्हारी कमजोरी का आईना रख दे। और मजे की बात है, वही तुम्हारा असली वेलविशर है। मगर जहां अटैचमेंट है, वहां लोग तुम्हारी कमजोरी को, गलती को छुपाए रखते हैं, उसे बनाए रखने में बढ़ावा देते हैं। वो है तुम्हारे दुश्मन, क्योंकि वहां उनके अपने मतलब छुपे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम बेहतर बन गए तो उनके अपने फायदों पर पानी फिर जाएगा। अब माँ बाप को ही देख लो, जो पूरी जिंदगी यही दावा करते हैं कि दैट आई लव माई डॉटर, आई लव माई सन, पर जब वो दिन आता है जहाँ वो अपनी मर्जी से लाइफ के डिसीजंस लेना चाहते हैं या नॉर्मली कुछ भी, तब पेरेंट्स अपनी मालकियत चलाते हैं। क्यों? तब उनका प्यार कहाँ चला जाता है? पर नहीं, तुम मेरी मर्जी से करियर चुनो, मेरी मर्जी से कपड़े पहनो, मेरी मर्जी से शादी करो, सब कुछ मेरी मर्जी से करो। ये होती है पजेसिवनेस, जहां तुम्हें कोई अपनी चीज मान लेता है कि यू जस्ट बिलोंग टू मी, नॉट टू समवन एल्स। इसीलिए तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो याद रखना, जहां ये सब है वहां क्रूएल्टी रहेगी, प्यार नहीं। क्योंकि कब्जा चीजों पर किया जाता है, इंसान पे नहीं। और यही अटैचमेंट्स रिश्तों को खा जाते हैं, क्योंकि वहां इंसान सिर्फ अपना बेस्ट देखता है। मत भूलो, प्यार का दूसरा नाम है फ्रीडम। और जिन रिश्तों में आजादी ना हो, वो रिश्ते झूठे हैं। इंसान एक परिंदे की तरह है, और जिससे तुम ही चिपक गए, फिर उसे उड़ने कैसे दोगे? प्यार कल की परवाह नहीं करता, वो आज में जिएगा। अगर तुम्हें किसी से दूर होने का या उसे खोने का डर है, तो साफ साफ समझना कि तुम्हें प्यार से ज्यादा लगाव है। इसीलिए जिसका अच्छा चाहते हो ना, उससे अटैच मत रहो। अपनी जरूरतों को पीछे रखना सीखो, देखो उसके लिए क्या बेहतर है। अगर तुम्हारी जरूरत यह है कि तुम्हें कोई ना कोई चाहिए साथ में, तो डियर ये जरूरत ही ठीक नहीं है। अकेले उड़ना सीखो। और किसी को तुम्हारे उड़ने से, तुम्हारे लाइफ में आगे बढ़ने से दिक्कत होती है, तो वो इंसान ही ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। याद रखना, प्यार वो नहीं जो तुम्हें एक बंधन में बांध के रखे, प्यार वो भी नहीं जो अपने हिसाब से तुम्हें बदलने पे मजबूर करे। प्यार तो वो है जो तुम्हें खुलकर जीना सिखाए, प्यार वो जो तुम्हें हर तरफ से आजाद करे, प्यार वो नहीं जिसे छीन कर हासिल किया जाए, प्यार वो नहीं जो किसी के डर से खत्म हो जाए, प्यार वो जो नफरत को भी प्यार में तब्दील कर पाए, कोई कोशिश करे समझने की फिर भी समझ ना पाए। प्यार जमी है जिसके लिए खुद आसमां झुक जाए। प्यार जीने के लिए जरूरी है, मजबूरी नहीं। आजादी है कोई पाबंदी नहीं, ख्वाहिश है कोई जिद नहीं, या यूं कहूं कि एक सफर है जिसकी कोई मंजिल नहीं। तो जब कभी तुम्हारे मन में ये सवाल उठे कि प्यार क्या है, तो पहले जानना कि प्यार क्या नहीं है, तभी समझ पाओगे कि असल में प्यार होता क्या है। हर जिसने कभी जाना नहीं, फिर वही लोग कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तुम्हारे प्यार की कोई उतनी ही कदर करेगा जितनी उसकी समझ होगी। अब वो इंसान बेचारा करे क्या, जब उसको अभी समझ ही नहीं है, तो उस पे नाराज होने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो, उन्हें अपना काम करने दो।
बिकॉज लव हैज नो कल्चर, नो लेबल्स, नो बाउंड्रीज, नो डेफिनेशन, नो डिफरेंस. इट इज वॉट इट इज, प्योर एंड सिंपल. सो इफ यू लव, लव ऑल बाय योर हार्ट.